ओम शांति, आप सबको स्वागत है आज के 6 जुलाई की श्रीवतान में। अगर आप इसको व्हाट्सएप पे देख रहे हैं वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर और ऑडियो फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। और के साथ में शेयर करें और उनके जीवन को भी बेहतर बनाएं। तो देखें, परमपिता परमात्मा जी कहते हैं, बाबा कहते हैं, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भवा। खजाने कौन कौन से हैं? खजाना है ज्ञान का खजाना, शांति सुख आनंद प्रेम का खजाना, शक्तियों का खजाना, शक्ति हमारे ऊपर, कंट्रोल हमारे ऊपर, और साथ ही साथ गुणों का खजाना। इनको अगर हम यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनको यूज़ करने से हमारा जीवन कैसा महसूस हुआ, रिलेशनशिप कैसे हुए, हमारे बिजनेस कैसा हुआ, हमारे कॉन्टैक्ट्स कैसे हुए, हमारे संबंध कैसे हुए, हमारी हेल्थ कैसे हुई, तो जाकर उस एक्सपीरियंस को ही हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि उनको हम प्रयोग करें। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं, जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रकृति। जो अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे, प्रयोग करेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज के पॉइंट्स को यूज़ करेंगे और इसे अपने माइंड और इंटेलेक्ट को बैलेंस करेंगे, संस्कारों को चेंज करेंगे, तब जा करके आप प्रयोगी बनेंगे। अगर प्रकृति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। योग मतलब कि याद रखना, जो परमात्मा ने कहा है हमें, उन चीज़ों को याद करके उनको एक्सपीरियंस करना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, ये तन भी परमात्मा की है, मन भी परमात्मा ने बनाया है, और बनाया मतलब ज्ञान दे करके, और साथ ही साथ धन भी परमात्मा का दिया हुआ है, ज्ञान रूपी धन और स्थूल धन। वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई है अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गवाना। अलबेलेपन मतलब देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। मतलब कि नॉलेज को यूज करना, फिजिकल बॉडी, आपका मन और धन, हर चीज को ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय तौर तरीकों से चलाना। कर्म कम खर्च बाला नशीन बनना, समय कम वेस्ट करना, बॉडी की एनर्जी कम वेस्ट करना, और साथ ही साथ मन के संकल्पों को कम यूज करना और रिजल्ट जल्दी पाना, उस कार्य को फटाफट कर लेना, यही योगी को प्रयोगी आत्मा की निशानी है। योगी कहो या प्रयोगी आत्मा, उसकी निशानी है। आप बहुत सोचा आपने, आपने 4 मिनट लगा दिए सोचने में, लेकिन किसी ने आकर के 4 सेकंड में डिसीजन ले लिया और उसने सॉल्यूशन पा लिया। कौन फास्टर है, कौन योगी है और कौन प्रयोगी है और कौन अनुभवी मूर्त है, आप जान गए होंगे। ये क्षमता को बढ़ाने के लिए हम ब्रह्म कुमारीज ईश्वर विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सीखते हैं और ज्ञान की बातें सीखते हैं, ताकि हम अपने मन को शार्प बनाएं। आप भी कर सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।